वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं फ़ोटोशॉप में फ्लैक्स डिज़ाइन की, और मेरा जो मैटर है वो ये ग्रीन इंडस ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल का एक बोर्ड बनाना है, जिसको हम इसको बेस मान के चल रहे हैं कि ऐसा डिज़ाइन हमको तैयार करना है स्वास्तिक पब्लिक स्कूल जैसा। और जो बैनर का साइज है वो मेरा है 10x6 का। सबसे पहले न्यू पेज लेते हैं और नए पेज में हम बैनर का साइज डिसाइड करेंगे। यहाँ पे रेजोल्यूशन जो आपको है वो 72 रखना है, अगर आपने ज़्यादा रखा तो नहीं होगा। विड्थ जो चौड़ाई है वो 10 फीट है, तो यहाँ पे हम इंचेज में, और इंचेज को 10 फीट में ले जाएंगे। 10 फीट 12 दाई के 120 इंच होगा, और हाइट जो है वो मेरा 6 फीट का होगा, तो इंचेस में वो हो जाएगा 12×5=60, 12×6=72, 72 इंच का। और रेजोल्यूशन आप 72 रखेंगे तभी ये काम करेगा। अभी इतना में ही इस फाइल का जो साइज़ है वो 128 MB का हो गया है। अगर आप इसको और रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे तो ये ओपन नहीं हो पाएगा। तो इतना करके हम ओके करते हैं। तो ये वाला जो पेज है, ये पेज मेरा 10x6 फिट का है, केवल 8% में ये दिखाई दे रहा है हमको। ऐसा ही हूबहू बनाने की कोशिश करेंगे हम इसमें। तो यहाँ पे एडमिशन ओपन के लिए ऊपर में जो हेडिंग दिया हुआ है, यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड जो लगाते हैं उसके लिए हम यहाँ से शेप लेते हैं, कस्टम कुछ शेप है, यहाँ पे कुछ शेप्स दिया हुआ है आपको दिखाई देगा। इसमें आप ऑल कर देंगे, जैसे कि जितना भी शेप होगा फोटोशॉप के अंदर में वो सारे शेप यहाँ पे दिखाई देने लगेगा आपको। और यहाँ से एक ऐसा लेने की कोशिश करते हैं बैकग्राउंड जिस पे हम बनाएंगे, देख लेते हैं कि ऐसा कुछ है क्या इसमें। जैसे ये है, इसको ले लेते हैं और इसको ही हम कंट्रोल देते हैं, इसको फुल कर लेते हैं और इसको ऐसे यहाँ पे से अब ये बैकग्राउंड पर क्लिक कर देते हैं। बैकग्राउंड में हम कलर डाल देते हैं ऐसे सेलेक्ट करके, बैकग्राउंड को हमने सेलेक्ट किया और इसके अंदर और ऊपर से जो जगह छूट गया उसको बढ़ाने के लिए यहाँ से सेलेक्ट से ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करके ऊपर कर देंगे, इंटर। इसमें रंग डालते हैं, कलर लेने के लिए इस रंग को लेंगे और यहाँ पे ये वाला रंग चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। फिल कलर यहाँ से लेके जो बाल्टी है पेंट बकेट टूल इससे लेके यहाँ डाल देंगे, इसको कंट्रोल डी, कलर हो गया है। अब इसके ऊपर हम लिख देते हैं एडमिशन ओपन, टेक्स्ट लेके और इस पे लिखते हैं एडमिशन कैपिटल में, एडमिशन ओपन 2020 और इसको यहाँ लाके कलर सेलेक्ट कर लेते हैं व्हाइट।
कंट्रोल टी करके इसका साइज लिखने का स्टाइल अगर बदलना है तो कंट्रोल सिंपल टेक्स्ट टूल लेके इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो लिखने का है फॉन्ट उसको बदलेंगे आप एक एक करके एरो डाउन बटन से या अप से, इसमें से जो भी आपको पसंद आएगा लिखने का स्टाइल उसको लेंगे, ओके करेंगे और ये जो बड़ा हो गया है ज़्यादा तो हम कंट्रोल टी और यहाँ तक है ये, इसको हम यहाँ तक ले लेते हैं। ये थोड़ा अच्छा नहीं है क्योंकि 2020 जो है वो छोटा लिखा पा गया है, तो इसको बराबर वाला ही रखते हैं, मिलाते हैं और बराबर वाला रखते हैं जिसमें कि सब बराबर है, जैसे ये है। ओके टी इससे ओके अब इसमें जो है थोड़ा सा कुछ स्टाइल करना है तो हम इसमें अपने कीबोर्ड से F7 बटन दबाएंगे, ये लेयर का ऑप्शन अपीयर होगा और इसमें जो लिखा हुआ है उस पर अप्लाई करना है, तो उस पर क्लिक करके नीचे फ्लैश जैसा एक बटन है जिसका नाम है लेयर स्टाइल और यहाँ से ब्लेंडिंग का ऑप्शन लेंगे और इसमें थोड़ा सा स्ट्रोक लगाते हैं, स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, स्ट्रोक रेड है, रेड की जगह पे हम ब्लैक ले लेते हैं। ओके और थोड़ा सा इसमें आप देखेंगे कि लिखा हुआ हमें ब्लैक हल्का सा आएगा, ओके करेंगे तो इसमें देखिए ब्लैक आ गया है। बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेते हैं और बैकग्राउंड के अंदर में इसको बंद कर देते हैं या छोटा कर लेते हैं इसको और नीचे रखते हैं। बैकग्राउंड में ये वाला कलर डालना है येलो, बैकग्राउंड पे राइट क्लिक करके बैकग्राउंड क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर चूज करेंगे और ये जो आई ड्रॉपर टूल है इसे क्लिक कर देंगे येलो पे तो वो कलर यहाँ पिक कर लेगा। ओके फिल कलर लेके हम बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे, बैकग्राउंड में वैसा क्लिक कलर हो जाएगा। नेक्स्ट जो नीचे एड्रेस लिखने के लिए दिया हुआ है उसको हम ऐसे ही बैकग्राउंड को काट देंगे नीचे से, इतना में हम एड्रेस लिखना चाहते हैं और इतना जो कलर है वो रेड टाइप का है तो इतना सेलेक्ट करके यहाँ से कलर पे फॉरेन कलर जो है फोरग्राउंड इस पर क्लिक करके आईड्रॉपर टूल है, आईड्रॉपर टूल से हम इस पर क्लिक कर लेंगे, ये कलर आ जाएगा। ओके और इसके अंदर हम फिल कलर से डाल देंगे, वैसा हो गया कलर। कंट्रोल डी कर देते हैं डी सिलेक्शन, थोड़ा सा और स्टाइलिश करने के लिए हम फिर से ये सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करके हम यहाँ पे काट लेते हैं और इसके अंदर भी वही रंग डाल देते हैं फिल कलर से। कंट्रोल डी कर देते हैं, ये थोड़ा सा स्टाइलिश हम इसमें ये वाला जो है प्ले वेज टू 9th क्लास और इसमें जो लिखा हुआ है नर्सरी टू 10th तो प्ले स्कूल ही है, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं जो ये लिखा हुआ है टेक्स्ट, प्ले नर्सरी नर्सरी टू 10th स्मॉल में इसको सेलेक्ट करके इसका जो रंग है वो ये वाला डालना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पिक कर लेंगे इस रंग को, ओके करेंगे
ओके, और छोटा कर लेंगे इसको कंट्रोल टी के साथ। जितना होना चाहिए, और इसको सेलेक्ट करके लिखने का स्टाइल बदल देंगे जैसे कि थोड़ा अच्छा लगे। ये इसको हम यहाँ रखते हैं। इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं, स्मॉल कर देते हैं नर्सरी। टू को भी स्मॉल करते हैं, टू टेंथ। ये नेक्स्ट मेरा जो है वो ये स्कूल वाला है, तो इसके लिए हम यहाँ पे वैसा ही शेप लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से वैसा शेप होगा इसके पास। इसको हमने बनाया, इसको कंट्रोल टी करते हैं और यहाँ से रोटेट कर देंगे, यहाँ से बड़ा कर लेंगे। और ये मुंह लंबा हो गया है, इसको हम यहाँ से लेकर इस ऑप्शन से लेकर और इस मुंह को छोटा करेंगे। कंट्रोल जेड, इसमें जो है इसे लेते हैं इसको दोबारा घुमाते हैं। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि इसको ऐसे ही रख के एक और शेप लेते हैं, बिल्कुल सीधा ऐसा, जितना ज़रूरत है उतना डालेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो मिल गया है। थोड़ा सा जो साइज का डिफरेंस है उसको मिला देते हैं कंट्रोल टी से।
देखिए मिल गया है। अब इसके अंदर कलर मैच हो गया। कलर जो है वो थोड़ा ऐसा ब्लू टाइप का करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे F3, और जो हमारा ये है लेयर है F7 वाला, इस पर फ्लैश वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कलर ओवरलेप करेंगे, ओवरले। और अभी रेड है, यहाँ पे रेड है, यहाँ क्लिक करके, और इसमें आप इस ब्लू वाले को क्लिक करेंगे तो वो ऐसा सेलेक्ट हो जाएगा। ओके ओके कर देंगे, इस वाले पे क्लिक करके सेव टू पे इस पे जाएंगे, फिर से कलर ओवरले, और इस पे क्लिक करके हम इस पे ब्लू वाले पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, नेक्स्ट ओके, और यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं तो मेरा वैसा हो गया है। इसमें जो हमारा स्कूल का नाम है वो लिख देते हैं, इंडस ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल। ये वाला जो टेक्स्ट है इसी टेक्स्ट को लेकर लिख देते हैं, ऑल्ट के साथ उठाएंगे उसको, आ गया, दबाकर एडिट कर उसको। इंडस स्पेस ग्रीन स्पेस वैली खोल देंगे, बोलेंगे कलर जो है वाइट है, तो इसको हम यहाँ पे लेंगे, और ये जो नीचे चला गया है तो इसको उठा के हम सेव के ऊपर रखेंगे, ऊपर आ गया है वाइट करेंगे, सेलेक्ट करके, या हम इसको ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ जो कलर दिख रहा है इसको यहाँ से आप वाइट कर सकते हैं। ओके ओके, और कंट्रोल टी करके इसको हम छोटा कर लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लोगो लगा हुआ है, लोगो भी लगाएंगे इसका, उसे नीचे लिख देते हैं। देखो के साथ उठा दिए टी करके, इसको कंट्रोल टी से इसको बड़ा कर लेते हैं, नेक्स्ट इसमें नीचे जैसे
इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग फॉर सक्सेस, वैसे इसमें लिखा हुआ है नेम दैट स्टूडेंट ट्रस्ट, वो वाला अगर इसमें हमको लिखना है तो लिख सकते हैं, लिख देते हैं उसको भी। That student trust, इसका जो लिखने का स्टाइल है वो थोड़ा स्टाइलिश करते हैं। स्टाइलिश करने के बाद ओके करेंगे और कंट्रोल टी से छोटा कर लेंगे। एंटर। और छोटा करते हैं थोड़ा। यहाँ पे लोगो लगाते हैं इसका। लोगो जो है वो मेरे कंप्यूटर में है। ये वाला है, इसको हम फोटोशॉप में लेके चलते हैं और यहाँ रखते हैं। इसमें लेके जाना है हमको, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं मार्क्यू से, ये पूरा ब्लैक सेलेक्ट हो जाएगा, और इसको सेलेक्ट से इन्वर्स करके जो उल्टा सिलेक्शन है वो लिए, और यहाँ से हम इसको लेके जाएंगे। तो ये आ गया मेरा, ये मेरा लोगो है। अब लोगो इसमें दिखाई दे इसके लिए हम क्या करेंगे कि लोगो को थोड़ा हाईलाइट करेंगे 7 से, और यहाँ से ये फ्लैश वाला ऑप्शन लेंगे, यहाँ से स्ट्रोक लगा देते हैं थोड़ा सा वाइट, ओके। नेक्स्ट जो है मेरा, इसमें इसको बंद करते हैं। अब ये न्यू सेशन स्टार्ट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम कब से, तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे ये जो दिया हुआ है ऐसा ऐसा लाने के लिए हम इसको कंट्रोल टी कर थोड़ा रोटेट देते हैं। एंटर।
और इसका जो कलर है वो ये है। लिख दे सबसे हाँ लिखने का स्टाइल बदलना है, बदल के देख। और इसको एडजस्ट उसके बाद नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ उसको लिखने के लिए आप इस पर क्लिक करके यहाँ देखेंगे तो ये बोल्ट यहाँ रेगुलर है, इसको भी बोल्ट करते हैं तो थोड़ा और मोटा हो जाए। उसके बाद इसको इसको रेगुलर करते हैं बोल्ट की जगह। ओके कंट्रोल कर लेते हैं। डेट लिखा हुआ है उसके लिए नीचे भी एक डिज़ाइन डाला हुआ है, नीचे भी एक डिज़ाइन डालते हैं शेप से ही लेके। मान लेते हैं कि ये वाला कर
को ऊपर कर लेते हैं 5 नंबर शेप पे, और इस कलर जो है ब्लैक है, यहाँ से ब्लैक कर देते हैं। ओके ओके, इसको यहाँ रख देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है मेरा इसमें वो है कॉल, मोबाइल नंबर देने का, मोबाइल नंबर देते हैं इसमें, इससे कॉपी कर लेते हैं, इसको इधर रखते हैं। प्लस 91 डैश कितना नंबर है वो इधर से देखेंगे, इस वाले से 9111334692 94 एक नंबर है, दूसरा नंबर है 2 साइन दे देते हैं, फिर से लिखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है से।
है मेरा वो फ्री एडमिशन है। तक आ गया है, ये यहाँ तक ही रखना है। ओके यहाँ से कुछ अच्छा आ जाए।
और इसमें शेप देखेंगे वैसा है क्या। ठीक को थोड़ा तीछा करना है अगर तो
गया है, फाइनल है। इसको हम सेव करते हैं, एक कॉपी जनरल PhD फाइल सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। शराफ़,